हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर अनिमेश प्लास्टिक सर्जन आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल सर्जरी ऑनलाइन पे स्वागत करता हूँ। दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे वो ड्रग्स के बारे में, वो मेडिसिंस के बारे में जिनका असर किडनी पर बहुत बुरा होता है, जो किडनी को डैमेज करती हैं, यानी वो ड्रग्स जो नेफ्रोटॉक्सिक होती हैं और उनसे किडनी ख़राब हो सकती है, तो उसके बारे में हम डिस्कस करने वाले इस वीडियो में। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अगर अभी तक नहीं किया तो, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए ताकि सभी को जानकारी मिले। तो दोस्तों, जो ड्रग्स जो मेडिसिंस किडनी को ख़राब करती हैं उन्हें हम नेफ्रोटॉक्सिक ड्रग्स कहते हैं। नेफ्रो का मतलब होता है किडनी, जो मेडिकल साइंस में यूज़ किया जाता है। जैसे किडनी की पढ़ाई को नेफ्रोलॉजी कहते हैं, किडनी के डॉक्टर को नेफ्रोलॉजिस्ट कहते हैं, तो इसी तरह से नेफ्रोटॉक्सिक ड्रग्स मतलब किडनी को ख़राब करने वाली ड्रग्स होती हैं। अब कौन सी होती हैं, तो सबसे पहले आती हैं पेन किलर्स। पेन किलर्स जिन्हें हम मेडिकल टर्म्स में एनएसएड्स कहते हैं, मतलब नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स। ये पेन किलर का काम करती हैं और ये किडनी को ख़राब करती हैं, लेकिन नॉर्मल डोज में ये किडनी को ख़राब नहीं करती हैं। नॉर्मल डोज में ये उनकी किडनी को ख़राब करती हैं जिनकी किडनी पहले से ख़राब थी। इसलिए अगर किडनी का पेशेंट है, उन्हें पेन किलर देना है, तो हम डोज को कम करके देते हैं। या फिर उन लोगों को हो सकती हैं जिनकी नॉर्मल किडनी थी लेकिन उनको बहुत ही हाई डोज में लेना होगा या फिर बहुत लंबे समय तक लेना होगा, तब जाके उनके किडनी पर असर करेगा। नॉर्मल डोज में लेना और कम ड्यूरेशन के लिए लेना हेल्दी लोगों में ये नुकसान नहीं करती है किडनी पे। दोस्तों, जो दूसरी मेडिसिन होती है वो है एंटीबायोटिक्स, लेकिन सारी एंटीबायोटिक्स किडनी को डैमेज नहीं करती है। तो कौन सी एंटीबायोटिक है जो किडनी को डैमेज करती है, तो सबसे पहले नंबर पे आती है एमिनोग्लाइकोसाइड्स। अब जैसे इसके एग्जांपल्स हैं जैसे जेंटामाइसिन, अमीकासिन, ये नेफ्रोटॉक्सिक होती हैं। इसके अलावा ये कान को भी डैमेज करती हैं, उन्हें हम ओटोटॉक्सिक भी कहते हैं। इसलिए जितनी भी एंटीबायोटिक्स हैं अमीनोग्लाइकोसाइड ग्रुप की, जेंटामाइसिन, अमीकासिन, ये किडनी पे बुरा असर करती हैं। जब भी किडनी पेशेंट को हमें देना होगा ये वाली एंटीबायोटिक्स, तो हम कम डोज में देते हैं, रीनल डोज में देते हैं। तीसरे नंबर पे आती हैं एंटीवायरल। एंटीवायरल ड्रग्स जैसे एसाइक्लोविर, वेलसाइक्लोविर, जो कि हम हर्पीस में देते हैं, उनसे भी किडनी डैमेज होती है, लेकिन लॉन्ग टर्म यूज़ करने पे होती हैं। तीसरे नंबर पे आती हैं कैंसर की ड्रग्स, कीमोथेरेपी ड्रग्स जैसे सिसप्लैटिन, मिथोट्रेक्सेट, ये हम कैंसर पेशेंट को देते हैं और ये किडनी पे डैमेज करती हैं। पाँचवें नंबर पे आती हैं इम्यूनोसप्रेसेंट्स, इनका नाम है साइक्लोस्पोरिन, टैक्रोलिमस, ये सब किडनी पे असर करती हैं जब लंबे टाइम तक दिया जाए तो। और दोस्तों, लास्ट में आता है सीटी स्कैन कराते समय हम कॉन्ट्रास्ट देते हैं, उसे हम कॉन्ट्रास्ट एनहैंस सीटी स्कैन बोलते हैं। तो कॉन्ट्रास्ट एनहैंस सीटी स्कैन में जो कॉन्ट्रास्ट का इस्तेमाल होता है वो भी किडनी पे बुरा असर करती हैं, लेकिन नॉर्मल लोगों में, हेल्दी लोगों में किडनी पे बुरा असर नहीं करती हैं, वो किडनी से एक्सक्रीट आउट हो जाती हैं। लेकिन जिनकी किडनी पहले से डैमेज है उनमें ये बुरा असर कर सकती हैं, उनके किडनी को ज़्यादा डैमेज कर सकती हैं और ब्लड में इकट्ठी हो सकती हैं। इसलिए कॉन्ट्रास्ट एनहैंस सीटी स्कैन अगर आपको कराना है, तो इससे पहले हम KFT यानी किडनी फंक्शन टेस्ट ज़रूर करते हैं, और अगर क्रिएटिन बढ़ा होता है तो कॉन्ट्रास्ट एनहैंस सीटी स्कैन हम नहीं करते हैं। दोस्तों, तो ये सारी मेडिसिन हैं जो किडनी पे बुरा असर करती हैं, लेकिन बीमारी अगर होती है तो हमें ये ड्रग्स देनी पड़ती हैं, कम डोज में देनी पड़ती हैं अगर जिनकी किडनी पहले से ख़राब होती है। लेकिन जिनकी किडनी नॉर्मल है उनमें अगर हम ये ड्रग्स स्मॉल ड्यूरेशन के लिए देंगे तो ये किडनी को ज़्यादा डैमेज नहीं करेंगी, इनफैक्ट कम ड्यूरेशन के लिए नॉर्मल हेल्दी लोगों में किडनी पर कोई भी असर नहीं होगा। किडनी पर असर तभी ये करती हैं जब इनको हाई डोज में लिया जाए या बहुत लंबे ड्यूरेशन से क्रोनिक यूज़ किया जाए, ओवर यूज़ किया जाए। तो दोस्तों, बहुत सारे वीडियोस में फेक इन्फॉर्मेशन दी जाती है, डराया जाता है कि ये दवाई ना ले, वो दवाई ना ले। आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, आप डॉक्टर से कंसल्ट करके जितनी भी मेडिसिन जो नेफ्रोटॉक्सिक होती हैं उनको भी लिया जा सकता है, लेकिन जो रिक्वायर्ड डोज है और जो रिकमेंडेड डोज है उसी में और उतने ही ड्यूरेशन के लिए। और जिनकी किडनी पहले से ख़राब है उनको बिना डॉक्टर के कंसल्टेशन के कोई भी मेडिसिन इनमें से नहीं लेना है। तो दोस्तों, उम्मीद है वीडियो में दी गई जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक लोगों में शेयर करें ताकि सभी को जानकारी मिले। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।